हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। और दोस्तों, आज मैं अपने किचन से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह, आज है सैटरडे, तो आज बच्चों की छुट्टी है और फौजी साहब की भी छुट्टी है। और दिन चल रहे हैं आजकल ठंडियों के, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में मूली के परांठे। तो आपको बताऊंगी कि मूली के परांठे कैसे बनाए मैंने और मैं कैसे बना रही हूँ मूली के परांठे। पहले मैंने मूली को ऐसे में छिलके निकाले, पहले मैंने मूली के पूरे साफ करके ऐसे, पहले मूली के बाहर बाहर के छिलके निकालने हैं पूरे। साफ करने के बाद मैंने मूली के बाहर के छिलके निकाले। अब मैं मूली कद्दूकस कर रही हूँ। इतनी मैंने कद्दूकस कर ली है, इतनी अब मैं इसे अभी और बारीक वाले कद्दूकस से करेंगे। और दोस्तों, पूरी मूली मैंने कद्दूकस कर ली है। अब मैं इसका पानी निचोड़ूंगी। बिल्कुल पानी इसका बहुत जोर लगा के निचोड़ना इसका पानी, ताकि हमें पराठे बनाते समय परेशानी न हो। पूरा पानी निचोड़ना इसका। और मूली का पानी हमें इतना ज़्यादा निचोड़ना है साफ करके, कि मूली बेलते समय जब हम पराठे बनाएंगे तो पराठे हमारे फटने नहीं चाहिए। अगर हम इसका पानी ढंग से सोख लेंगे तो पराठे बनाते समय इतनी परेशानी नहीं होती। तब ये मैंने मूली, पूरा मूली का पानी निचोड़ लिया है। अब मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। अब मैं इसमें काट रही हूँ हरी मिर्च, ये आप देख सकते हैं, बारीक काटनी हरी मिर्च एकदम। और अब इसमें हरी मिर्च के बाद मैंने इसमें काटा अदरक। सर्दियों के दिन है दोस्तों, तो ये सब तो इस मूली के परांठे में डलेगा ही डलेगा। अब मैंने थोड़ा हींग डाली इसमें। दोस्तों, मैंने इसमें अजवाइन डाला, अजवाइन मिक्स किया मैंने। एक अलग फ्लेवर आ जाता है अजवाइन का, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का। अब अजवाइन के बाद ऐड किया मैंने इसमें आमचूर पाउडर। और दोस्तों, मेरा एक मेहमान और आ गया है मूली के पराठे खाने, शिवम का दोस्त वंश। मेहमान आ गया, मेरा मूली के पराठे अभी बने नहीं ये पहले ही आ गया खाने। अब दोस्तों, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। मैंने इसमें दोस्तों, आपको तो पता होगा धनिया का हर खाने में धनिया का अलग ही स्वाद आता है, तो धनिया हर खाने में, परांठे में, खाने में, सब कुछ में पड़ता है। तो मैंने इसमें ऐड किया हरा धनिया। इसका फ्लेवर तो आपको सब कुछ में अच्छा ही रहता है। मेरी मौसी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो मिला दिए मैंने। अब मैंने ये आटा भी गूंद दिया है परांठों के लिए। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। तो दोस्तों, पहले मैंने ये आटे की मैंने दो लोई ली मैंने, और दो लोई पहले मैंने बेली, और दो लोई बेलने के बाद मैंने ये मूली का जो कद्दूकस किया हुआ मसाले वाला पेस्ट था, ये मैंने इस पर ऐसे में लगाया, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक ही में लगाया है। इस तरीके से लगाने का तरीका ये है दोस्तों, कि इसके बाद जब हम पराठा सेकते हैं तवे में, तो पराठा हमारा फटता नहीं है।
दो लोई के तरीके से तो परांठा फट जाता है। अब मैंने जो इसके अंदर ये मसाला रखा था, मैंने मूली का पेस्ट रखा था, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने ऊपर से दूसरी बेली हुई आटे की लोई भी लगा दी है। अब हम इसे टाइट हाथों से दबाएंगे, ऐसे करके पूरा हम इसे बराबर में दबा देंगे कि जो अंदर का मसाला हमारा पराठा सेकते समय बाहर ना आए। और थोड़ा हम इसके ऊपर से ये आटा भी ऐसे लगा लेंगे। अब हम पहले, अभी तवा गरम हो गया है, हम इसमें पहले पूरा तेल ऐसे लगा देंगे ताकि हम पहला अगर पराठा रखें तवे में तो वो नीचे न चिपके। अगर हम पहले तेल लगाते हैं तो पराठा नीचे तवे में नहीं चिपकता है। अब मैं पराठा रखूँगी तवे में। ये मैंने रख लिया है एक पराठा, पहला पराठा तवे में अपने। अब मैं इसमें तेल लगा रही हूँ दोस्तों। अब ये मूली के पराठे तेल में ही अच्छे होते हैं, घी में इतने अच्छे नहीं होते ये मूली के पराठे। जैसे आलू के पराठे हो गए, बाकी और पराठे घी में भी, सारे पराठे घी के ही अच्छे नहीं होते। किसी किसी पराठे में तेल अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें घी भी लगा सकती थी, पर मैं इसमें तेल ही लगा रही हूँ क्योंकि ये तेल वाले अच्छे लगते हैं। अब ये मेरा पराठा पूरा सेक रहा है। और दोस्तों, जैसे हम शॉर्टकट की वजह से हम ज़्यादातर अपने घरों में अपने बच्चों के लिए आलू के ही पराठे बनाते हैं, तो बच्चे भी एक ही आलू का ही पराठा खा खा के बोर हो जाते हैं। तो जैसे अगर कभी मेथी का पराठा हो गया, कभी मूली के पराठा हो गया, कभी गोभी का पराठा हो गया, कभी पनीर का पराठा हो गया, कभी भरवा दाल के पराठे हो गए, अगर हम ऐसे अलग अलग तरीके के पराठे बनाते रहेंगे बच्चों के लिए, अगर अलग अलग तरीके से हम अलग अलग तरीके के पराठे बनाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और बच्चे खाते भी हैं। पर एक ही टाइप का पराठा अगर हम बनाते रहेंगे तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते। और दोस्तों, मूली का पराठा खासकर सर्दियों के दिनों के लिए बहुत ही पौष्टिक और हेल्थी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और सर्दियों में बच्चों की इस मूली के पराठे खा के तबीयत भी सही रहती है, इतनी सर्दी नहीं लगती बच्चों को। तो अब ये मेरा पराठा अच्छे से पक गया है, अच्छे से सेक लिया है मैंने इसे। अब ऐसी मैं ये और पराठे भी बनाती हूँ दोस्तों। ये बनाया मैंने पहला पराठा, एकदम बढ़िया और मस्त बना है। कई बार तो ये मूली के पराठे मेरे फट जाते थे, पर इस बार बहुत ही अच्छा बना है ये मूली का पराठा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, एकदम टेस्टी और बहुत अच्छा बना है। आज बिल्कुल नहीं फटा है मूली का पराठा मेरा बीच से और जैसे मेरा पहला पराठा बनके तैयार हुआ तो शिवम भी पहुंच गए हैं खाने के लिए। और दोस्तों, मैं अब रखती हूँ शिवम के लिए पराठा, भूख लग गई शिवम को। शिवम ने ही जिद की दोस्तों कि मम्मी आज मूली का पराठा बना दो। दोस्तों, शिवम की एक ऐसी आदत है, इसे मैं जितनी बार भी पराठे देती हूँ तो इसे हमेशा कहती हूँ मैं घी में खा पराठे, कभी तो घी में खाया कर, पर नहीं, शिवम को हमेशा सॉस में खाने हैं। या टमाटो सॉस आप देख सकते हैं, हमेशा शिवम टमाटो सॉस में खाते हैं पराठे।
जो कि बहुत ही गंदी आदत है। खाना चाहिए बच्चों को टमाटो सॉस, पर इतना भी नहीं खाना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही घी भूल जाओ और कुछ में तुम खाओ ही नहीं परांठे। और जैम सॉस बस बच्चों को आजकल यही चाहिए, यही बहुत गंदी आदतें तो हैं, पर क्या करें, बच्चों की जिद है, मानते हैं नहीं। बड़ी मुश्किल से तो एक पराठा खाता है शिवम, अगर वो भी सॉस में खाने की जिद करता है, वो भी मैं मना करती हूँ, तो वो एक पराठा भी तब नहीं खा पाता। गाइस सुबह अब मैं अपनी मम्मी से जो पराठा वाला है मैं उनको टेस्ट करने वाला हूँ। मम्मा अच्छा बना है, टेस्टी बनाया है शिवम। हाँ। मिर्ची लग गई तुझे फिर? नहीं जितने जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मेरी आदत है हरी मिर्च डालने की। हरी मिर्च हमेशा मैं हरी मिर्ची मसाला कड़क वाला बनाती हूँ, मसाला कड़क वाला, और इसे हमेशा मिर्ची लगती है। अभी खाना तो है ये, पर इसे मिर्ची लग रही है बहुत। तो ठीक है दोस्तों, बाय। और आपको मेरी मूली के पराठे की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स में लिखना, तब मैं आगे और नई नई रेसिपी दिखाऊंगी अपने चैनल में। अब मिलेंगे नई रेसिपी के साथ या नए व्लॉग के साथ कहीं, तब तक टाटा बाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।